हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी ट्विन फ्लेम और सोलमेट पार्टनर्स की जर्नी की। जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, या आपका कांटेक्ट नहीं है, या कांटेक्ट हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत है, और आप जानना चाहते हो कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है या जो आपकी डिवाइन फेमिनिन है, जिसके बारे में भी आप ट्विन फ्लेम, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, अपने डीएम के बारे में, जो मैस्कुलिन एनर्जी है जो आपसे बात नहीं कर रहे, जो आपसे इस वक्त आप जानना चाहते हो, आप लोग एक डेफिनेटली सेपरेशन में हो और आप जानना चाहते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की या डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सोल कनेक्शन रखते हैं किसी के साथ, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका। अगर आपको नहीं पता ये क्या कॉन्सेप्ट है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके या गूगल पे देख सकते हैं कि ये क्या कनेक्शन है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सिंगल लोग फिर भी देख सकते हैं, हो सकता है ये आपके फ्यूचर में काम आए अगर आप अपने किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ मिलेंगे तो। ठीक है, आप फिर भी आके इस वीडियो को आकर देख सकते हैं, ठीक है, जब आपका ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा तो। दिस इज़ वेरी इंटेंस, ये नॉर्मल कनेक्शन से बिल्कुल हटके होता है, ये स्पिरिचुअल वर्क होता है, इसमें स्पिरिचुअल हीलिंग करनी होती है, अपने शैडो वर्क पे, अपनी जो चीज़ें आपको तंग करती हैं लाइफ में, जो डिस्टर्ब करती हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको सोल लेवल पे, इंटेंसली सोल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे हील करनी होती हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट ईजी, ओके। कनेक्शन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जो अनडिनाइबल होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ लोगों की यूनियन होती है, कुछ लोगों की नहीं होती, कुछ लोगों की इस जर्नी में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज एंड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखते हैं आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। हमारे पास है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, फिर हमारे पास है फर्टैलिटी, मेंटल कन्फ्लिक्ट। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है इस वक्त बिल्कुल उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि डिसीजन क्या लें, मेंटली कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये आपकी लाइफ में पार्टनर ऑलरेडी है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है ऑलरेडी, ठीक है, बच्चों की माँ हो सकती है या उनकी अपनी मदर हो सकती हैं, जिनकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है कन्फ्लिक्ट और डिफीटेड, उनकी लाइफ में इस वक्त ऐसी स्ट्रगल चल रही है, या हो सकता है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो जिसमें वो खुश ना हो, चाहे वो शादी है या वो फैमिली है या वर्क है, कुछ ऐसी फील्ड में, ऐसी सिचुएशन में है कि वहाँ वो खुश नहीं है और उनको लग रहा है कि ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो चुकी है, उनको खुशी नहीं मिलेगी, वो ऑलरेडी फेलियर फील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि वो आपको इस अपनी डिवाइन फेमिनिन यानी कि आपको मिस कर रहे हों, आपको उनको लगता हो कि अब आपने उन्होंने आपको खो दिया है, वो अब आपको कभी नहीं पा सकेंगे या कभी आपके पास नहीं आ सकेंगे, या वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन मेंटली कन्फ्लिक्टेड हैं, उनको समझ नहीं आ रही आपसे किस तरह बात करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको स्टॉप कर रही हैं आपसे बात करने के लिए, टेम्पटेशन। तो कुछ चीज़ें मेन ब्लॉकेज हैं जो आप दोनों के दरमियान में है, जो आप दोनों को जो है वो मिलने से या बात करने से रोक रहा है, सेपरेट कर। आप हो सकता है कि आप दोनों ही, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको छोड़ नहीं सकते, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके साथ रह भी नहीं सकते, इस तरह की सिचुएशन है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। तो आप देख लेते हैं कि वो आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। हमारे पास है डिसेप्शन एंड एनवाय नंबर 7, फिर हमारे पास है हार्ट एक एंड लॉस 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन डेथ। तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हों, कैप्रिकॉन के साथ, मैं स्पेशली साइन लूँगी जो यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस या लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है, एयर साइन है पे, यहाँ पे फायर भी है और वाटर भी, लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे स्पेसिफिकली हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो हैं, जो वो डिसेप्शन में थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अभी तक इस डिसेप्शन में हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको बता नहीं रहे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट एक और लॉस फील हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है। कुछ लोगों के लिए डेथ का मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप दोनों की सेपरेशन हो गई है, या आपका एक्स भी हो सकता है, इस वक्त आप दोनों डेफिनेटली ब्रेकअप पे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, या आप डेफिनेटली एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बिगेस्ट ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आप बात नहीं कर सकते। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ, या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों को करीब आने से रोक रही हैं, स्पेशली उनकी मदर या फैमिली या उनकी वाइफ या उन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। चैलेंज क्या है आप दोनों के दरमियान में ये देखते हैं। हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस,
और हमारे पास है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन. सो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप दोनों के दरमियान में, कि आपके डीएम को, डिवाइन मैस्कुलिन को चॉइस करना है, चूज़ करना है, डिसीजन लेना है, आगे मूव करना है. लेकिन वो हो सकता है, जैसे मैंने कहा, 2-2 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हों, 3-3 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हों, इस तरह के नंबर, ठीक है, 4-4 आप ज़्यादा देख रहे होंगे या इस तरह की. तो इस इंसान के लिए इस वक्त अभी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं और उसको चूज़ करना है, फैमिली को, आपको, फाइनेंसिस को, कि आपकी तरफ एक्शन लेना है या नहीं लेना, डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, आपकी तरफ आना है कि नहीं आना. ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन का सबसे बड़ा चैलेंज है. फिर हमारे पास है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, अपनी विश को पूरा करना और उसको फॉलो करना और उसको डिसीजन लेना उसी के बारे में. ये आपके पार्टनर का या आपके डिवाइन मैस्कुलिन का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि वो नहीं कर सकते, अपनी विश को फॉलो नहीं कर सकते, अपने ड्रीम को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी खुशी को फॉलो नहीं कर सकते. जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में, वो इस वक्त अभी अपने ड्रीम को या अपनी ख्वाहिश को फॉलो नहीं कर सकते. इवन दो वो चाह रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सकता. तो अब देखते हैं आप लोगों की यूनियन में क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ओके, वाओ, हमारे पास है होप. तो डेफिनेटली हो सकता है आप लियो के साथ या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, पाइसिस भी हो सकता है यहाँ पे, उनके साथ आप डील कर रहे हो, थर्ड आई चाक्रा है. तो डेफिनेटली आपको जो है आपकी यूनियन में तभी होगी जब आप डेफिनेटली आप दोनों, आपको यकीन होगा, आपको बिलीव होगा, आपको इंट्यूशन ही आपको फील होगा कि आपके पार्टनर अब बहुत जल्द आपके करीब आ रहे हैं या आपकी यूनियन होगी या आपसे बात करना चाहेंगे. आपको इस कनेक्शन को डेफिनेटली इंट्यूटिवली देखना होगा और इंट्यूटिवली ही फील करना होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात होती है इन सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की. फिर हमारे पास है होप. यहाँ पे एक होप है आपकी, एक फ्यूचर की होप है, एक विश है, एक दुआ है जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं गॉड से कि आप इस इंसान को या ये इंसान आपकी लाइफ में आए और आपकी यूनियन हो. और आपकी ये जो इमोशनल विथड्रॉल है, जो आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को, आपको रिट्रीट करना पड़ेगा इमोशनली इस कनेक्शन को और अपने आप, अपनी सोल को, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ सन, ठीक है. तो आपको अपनी सन को, अपनी सोल को हील करना पड़ेगा और उनको भी अपनी सन और सोल को हील कर, अपनी सोल को हील करना पड़ेगा, तभी जाके आप दोनों की ये जो इमोशनल जो आपकी यूनियन है वो तभी जाके होगी. और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है शेडो साइड. तो आपको अपनी इस शेडो साइड पे जो चीज़ें आप दोनों को ट्रिगर कर रही हैं या हील कर रही हैं या स्टॉप कर रही हैं पास आने से, उनको हील करना होगा, उनके सोल्यूशन ढूंढने होंगे, उनका डिसीजन लेना होगा, उनका एक्शन लेना होगा, उन चीज़ों को सॉल्व करना होगा, तभी जाके आपकी यूनियन होगी. हाँ, लेकिन आपको होप रखनी होगी, आपको उम्मीद रखनी होगी, देर इज़ अ होप. आपकी विश पूरी हो सकती है, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी सोल को हील करना पड़ेगा. और यही सबसे बड़ा पर्पज़ होता है इन रिलेशनशिप्स का. तो अब देखते हैं आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन क्या लेगा आपकी तरफ. हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेट, और फिर हमारे पास है इंट्यूशन. बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्शन इस वक्त होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं, उसमें आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होता है. और रेस्ट और रिजुविनेट, जितना आप अपनी सोल को हील कर सकते हैं और उन 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 ट्रिगर्स थिंग्स को हील कर सकते हैं, उतना ही आप दोनों के लिए बेहतर होगा. तो आपको ट्रस्ट करना होगा अपने इंट्यूशन पे, बिलीव करना होगा अपने थर्ड आई चक्रा पे और इंट्यूशन पे कि आप दोनों की यूनियन होगी. आपने इस इंसान को, अपने पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट करना है इंट्यूटिवली, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, रेस्ट के थ्रू, सोल हीलिंग के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, रिट्रीट करके आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में लाना होगा, ठीक है. और आपकी सोल जो है वो हील होनी चाहिए, तभी जाके आप दोनों की जो है वो यूनियन होगी. आप रोमांस एंजल से देख लेते हैं यूनियन में क्या होगा, रोमांटिकली क्या ब्लॉकेज है. मेक द एफर्ट. सो हो सकते हैं बच्चे इन्वॉल्व्ड हों कुछ लोगों के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं आपके या उनके, चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है. और या आप दोनों को, जैसे हमेशा ही इस डुओ में, इस सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है कि आप दोनों को ही अपना चाइल्डहुड ट्रामा या अपने चाइल्डहुड को हील करना पड़ेगा, अपने इश्यूज़ को हील करना पड़ेगा जो आप दोनों को ट्रिगर कर रहे हैं एक दूसरे के पास आने के लिए. आप दोनों में स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, और वो हमेशा रहती है, मेंटली, फिजिकली, रोमांटिकली हमेशा रहती है, ये कभी चीज़ ख़त्म नहीं होती. न्यू लव. और फिर हमारे पास है प्लेफुलनेस रिवर्स. बिल्कुल आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, शायद झगड़ा है या एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं है, डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान में, जैसे मैंने कहा, होप है न्यू लव की, न्यू स्टार्ट की, न्यू बिगनिंग्स की, और न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, ओके, अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, जिससे आप, जिसके लिए आपको रोमांटिक फीलिंग्स हैं और उनको आपके लिए हैं. लेकिन फिर भी
हालात जो हैं वो आप दोनों का साथ नहीं दे रहे इस वक्त। हालात जो हैं वो हमेशा ही हालात, लोग या थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा ही इस तरह के सोल कनेक्शंस में प्रॉब्लम बनती हैं। तो अब देख लेते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। प्रिपेयरिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, तो हो सकता है बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ दें, एक सरप्राइज़ होगा आपके लिए, आपको सरप्राइज़ कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या खुद आके मिलेंगे। आई विश आई कुड ट्रीटेड यू बेटर, यू डिज़र्व मोर लव। तो ये इस इंसान को रिग्रेट है आपके पार्टनर को कि उन्होंने आपको जो है ट्रीट नहीं किया सही तरीके से इन द पास्ट, तो हो सकता है उनको इस चीज़ का रिग्रेट है। तो अब और मैसेज देख लेते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ माई हैंडमेड मैसेजेस, आई हेट दैट यू आर इग्नोरिंग मी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग आप इस इंसान को इग्नोर, उनको लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं लेकिन आप हो सकता है अपने ऊपर हीलिंग कर रहे हो। गिव मी अनदर चांस फॉर गिव मी, तो कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, हो सकता है मेंटली या फिजिकली भी अब्यूज़ किया। आई एम सॉरी, आई लाइक यू टू, आई एम स्टॉकिंग, डोंट नो हाउ टू टेल यू। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है जहाँ आप जाते हैं, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं। आई विश यू वर हेयर नेक्स्ट टू मी राइट नाउ। तो ये इंसान आपको अभी इसी वक्त जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपको देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, वो मिस कर रहे हैं आपको अपने सामने देखना, बात करना। देख लेते हैं उनके नेक्स्ट आपके लिए क्या है। यू आर माई एलियन यूनिकॉर्न, आपने डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ चेंज की है, या आपको लगता है कि आपके एलियन हैं, आपने एक दूसरे के नाम रखे हुए होंगे एलियन या यूनिकॉर्न के तौर पे। वी हैव यू आर माई सोलमेट, तो डेफिनेटली उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, उनको रिलीज़ हो रहा है, उनको रियलाइज हो रहा है और वो इस चीज़ पर अब यकीन करने लगे हैं। पहले शायद उनको नहीं होगा यकीन लेकिन अब होगा। आई एम कन्फ्यूज़, इज़ दिस रियल, आवर कनेक्शन इज़ रियल, आर यू रियल। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान अभी तक इस कन्फ्यूजन पार्ट में है, उनको लगता नहीं है कि ये इंटेंस फीलिंग्स या इस तरह का कनेक्शन भी होता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर को इस सोलमेट हिस्ट्री या सोलमेट रिलेशनशिप्स के बारे में ना पता हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप, इस सोलमेट पे अब अवेक हो चुका है, उनको समझ आ गई है कि ये किस तरह का कनेक्शन है। सोल का तो उनको पता ही होगा कि सोल के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, तो इसलिए वो इस कन्फ्यूजन में है, इस डिनायल में है, यकीन ना करने वाली बात हो गई कि उनको यकीन नहीं हो रहा कि ये चीज़ भी हो सकती है दुनिया में, लेकिन वो बहुत इंटेंसली फील कर रहे हैं आपके लिए। शायद हो सकता है ये कन्फ्लिक्ट इसलिए वहाँ उनकी लाइफ में है मेंटली कि उनको समझ नहीं आ रही किस तरह और क्या होगा नेक्स्ट। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज़।